नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। काफ़ी लंबे समय के बाद आज अंतोगत्वा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव ने स्पुतनिक वी वैक्सीन ले ली है। तस्वीरें कुछ हम आपको दिखा भी रहे हैं। पटना के ही मेदांता हॉस्पिटल में जाकर उन्होंने स्पुतनिक वी वैक्सीन ले ली है, जिसके बाद सवाल ये खड़े होने शुरू हुए हैं कि जब हमारे देश की स्वदेशी वैक्सीन है कोवैक्सीन और कोविशील्ड, देश के प्रधानमंत्री ने कोवैक्सीन लिया, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोविशील्ड वैक्सीन लिया, फिर क्या तेजस्वी यादव को देश की वैक्सीन पर भरोसा नहीं है, देश के वैज्ञानिकों पर भरोसा नहीं है? आरजेडी की ओर से जवाब दिया है शक्ति सिंह यादव ने। उन्होंने कहा है कि नेता प्रतिपक्ष साइंटिफिकली सोचते हैं। वहीं उन्होंने इसके अलावा ये भी कहा है कि व्यक्ति पहले वैक्सीन की एफिशिएंसी, और उन्होंने ये भी लिखा है कि व्यक्ति पहले वैक्सीनेशन की एफिशिएंसी व प्रतिरक्षा जनकता का तुलनात्मक विश्लेषण करके ही देश में उपलब्ध अनेकों वैक्सीन में से अपने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता के अनुसार चयन करेगा। ठीक है, आदमी को स्वतंत्रता है, भारत में आप कुछ भी चुन सकते हैं, अनेकों वैक्सीन है, लेकिन आप एक पॉलिटिकल फिगर हैं, एक बड़ा चेहरा है, आपकी लोकप्रियता काफ़ी अधिक है, आपने स्पुतनिक वी पर भरोसा किया है, उम्मीद है कैसे आपके फॉलोअर्स होंगे, अब वो ही स्पुतनिक वी की ओर बढ़ेंगे, यानी कि भारत की जो वैक्सीन है क्या उस पर से अब धीरे धीरे भरोसा उठेगा आरजेडी के समर्थकों का, सवाल जेडीयू खड़े कर रही है। ऐसे में शक्ति सिंह यादव ने क्या कहा है, और डॉक्टर सुनील जेडीयू के नेता हैं, डॉक्टर भी हैं, क्या कुछ वो कह रहे हैं, पूछ रहे हैं, ज़रा सुनिए। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने आज वैक्सीन लगाई है, टीका ली है, राज्य और देश की जनता को संदेश दिया है कि वैक्सीन ही, टीका ही एक उपाय है, एक कवच है, जिससे आप अपने आप को संरक्षित और सुरक्षित रख सकते हैं। और ये नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी साइंटिफिक सोचते हैं, पर भ्रष्टाचार के जो भिस्पितामा के जो चट्टे बट्टे हैं, जिनको एक वैक्सीन के संदर्भ में एबीसीडी का ज्ञान नहीं है, वह भी अनलगर प्रलाप करने लगते हैं। किसी वैक्सीन की प्रभावकारिता, प्रतिरक्षा जनकता, इसका तुलनात्मक अध्ययन करना चाहिए, और अध्ययन करने के बाद जो शरीर का जो प्रतिरोधक क्षमता है उसके अनुसार वैक्सीन का चयन करते हैं। जरा हमको बताएं तो वो वैक्सीन और कोविशील्ड के संदर्भ में प्रभावकारिता और प्रतिरक्षा जनकता के संदर्भ में कोई आंकड़े प्रस्तुत हुआ है क्या? हुआ तो जरा बताएं, जानकारी है नहीं, एबीसीडी का ज्ञान नहीं है वैक्सीन के बारे में, अब प्रवचन देने चले। असल सवाल यह है कि संस्थागत भ्रष्टाचार के विश्वपितामा के अनुयायी जो बन चुके हैं, अंधभक्त जो बन चुके हैं, इनको ज्ञान से क्या मतलब है, सच्चाई से अंधकार प्रहलाद करते रहो। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने आज स्पुतनिक COVID-19 वैक्सीन लगवाया, ये उनकी सोच दर्शाता है। भारत में बने पूरी तरह से एक इंडिजिनस वैक्सीन कोवैक्सीन और सेमी इंडिजिनस वैक्सीन कोविशील्ड, ये दोनों भारत में निर्मित है, और भारत को इस बात का गर्व है कि रिकॉर्ड टाइम में उन्होंने दो स्वदेशी वैक्सीन बनाए। प्रधानमंत्री जी ने लिया कोवैक्सीन, माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिया कोविशील्ड, लेकिन वैसे समय में तेजस्वी यादव जी ने कोई वैक्सीन नहीं लेकर जनता के बीच में तरह तरह से वैक्सीन के बारे में बातें बताई, जनता भ्रमित हुई, इससे वैक्सीन के लाभुकों की संख्या घटी, और इसका नतीजा है कि द्वितीय कोरोना के द्वितीय लहर के चपेट में हम बुरी तरह पड़े। खैर, अब उन्होंने स्पुतनिक वैक्सीन ले ली है तो अच्छी बात है, कोई वैक्सीन तो लिया उन्होंने, लेकिन उनकी सोच में है कि उनके जो प्रवक्तागण हैं कहते हैं कि भाई वो बड़े वैज्ञानिक तरीके से सोचे, तो वैज्ञानिक तरीके से अगर सोचते तो वैज्ञानिकों के सोच के साथ रहते, वो वैज्ञानिक तरीके से सोचने के लिए क्वालिफाइड नहीं है। वैक्सीन जो उन्होंने लिया, वैज्ञानिक तरीके सोच का मतलब होता है कि उन्होंने भारत के निर्मित वैक्सीनों के सेफ्टी और एफिकेसी पर प्रश्नवाचक चिन्ह किए, जबकि हम बता दें कि भारत के निर्मित वैक्सीन कोविशील्ड 70% ज़्यादा, कोवैक्सीन 80% ज़्यादा, और निश्चित ही स्पुतनिक 90% एफिकेसी है, लेकिन सेफ्टी में भारत की बनी वैक्सीन भी काफ़ी सेफ है, सब लोगों ने वही लिया है। तो भारत के बनी वैक्सीन के इस तरह दुष्प्रचार करना कि साइंटिफिकली सोच में वो उनके नहीं उतरता है, ये उचित नहीं है।
और इतना ज़्यादा साइंटिफिक सोचेंगे तो कुछ और वैक्सीन आने वाली है फाइजर मॉडर्ना, उसका भी कोई वैज्ञानिक तरीके से सोच लेंगे कि उसकी एफिकेसी ज़्यादा है, इससे भी ज़्यादा है, वो 95% ज़्यादा है। तो ऐसा नहीं कि ज़्यादा सोच में वो ले लें, वो उनके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। तो सोचने का काम वैज्ञानिकों का है, चिकित्सकों का है, उन्हें सोचने दें। खैर, आपने जो वैक्सीन लगाई आपको मुबारक है, वैक्सीन लेना अच्छी बात है, कम से कम ये तो पता चला कि वैक्सीन पे जो आपने जो दुर जो जो जो, जो, जो उसके लिए भ्रम पैदा किया और खुद वैक्सीन लिया, ये आपके दोहरी नीति दोहरा सोच दर्शाता है कि आप कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। खैर, अब से कम जो हुआ सो हुआ, अब कम से कम माननीय नीतीश कुमार जी के 6 माह में 6 करोड़ के टीकाकरण के लक्ष्य को बढ़ाने में सरकार का साथ दे। तो आपने सुना, क्या आरजेडी के नेता ने ऐसा कहकर तेजस्वी यादव की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं, उन्हें और संकट में डाल दिया है? क्योंकि अब तक आप भी वैक्सीन ले रहे होंगे, उम्मीद है आप वैक्सीन ले रहे होंगे, या आपकी बारी आएगी तो आप वैक्सीन ज़रूर लेंगे। तो ऐसे में जब आप वैक्सीन लेंगे तो क्या आपको पता है आपकी बॉडी के लिए क्या अच्छा है? कोवैक्सीन अच्छा है, कोविशील्ड अच्छा है, स्पुतनिक वी अच्छा है, इसका कोई प्रमाण आया है क्या देश में? कोई इसके लिए अलग से टेस्टिंग होती है क्या? फिर कैसे इंसान, चाहे वो नेता हो या आम आदमी हो, कह सकता है कि मेरे लिए यही बेहतर है? हालांकि ठीक है, आदमी को अपनी अपनी स्वतंत्रता है, जेडीयू का तंज कसना भी लाजमी है, आरजेडी की ओर से जो प्रतिक्रिया आई है हमने वो भी आपको सुनाया है। तय आपको करना है क्या सही है क्या गलत है। लेकिन अच्छी बात यह है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने वैक्सीन ले ली है, कोरोना का टीका लगवा लिया है, पहला डोज ले लिया है, उम्मीद है आप भी टीका ज़रूर लगवाएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें, इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव स्ट्रीम को फॉलो करें। धन्यवाद।